दोस्त, ग्रुप डी एलपी एंड टेक्नीशियन का एग्जाम के लिए जो लोग फॉर्म भरे हैं उसे दोबारा करेक्शन के लिए भर सकते हैं। जिनका लॉगिन के बाद फोटोग्राफ में सुधार करने के लिए ऑप्शन आता होगा, इसके लिए अंतिम तारीख 20/7/2018 है। तो कई लोगों का क्वायरी आ रहा था कि मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है, मैं क्या करूं। तो मैं इसमें मैक्सिमम लोगों का फॉर्म रिजेक्ट हुआ था, केवल प्रॉब्लम आई थी कि फोटोग्राफ सही नहीं था। तो यहाँ फोटोग्राफ अपडेट कर सकते हैं, उसके लिए मैं वीडियो में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ वेबसाइट पे कि आप कैसे जाना है। अगर वहां पे आपका रजिस्ट्रेशन एक्सेप्टेड है तो आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वहां पे कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो वहां आपको फोटो अपलोड करने के लिए 20 तारीख तक आपको टाइम दिया जा रहा है। भारतीय रेल एवं मेट्रो रेल से संबंधित किसी भी वीडियो को आप सबसे पहले देखने के लिए रेलवे लाइव पीएलपी चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको सबसे पहले गूगल में जाना है और यहाँ पे RR20 सर्च करना है। तो रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड के लिए, अपने रिक्रूटमेंट बोर्ड के लिए सर्च करेंगे तो उसके बाद जो पेज खुलेगा उसमें रेलवे के ऑफिशियल वेबसाइट पे हमें जाना है। तो देख सकते हैं रेलवे का ऑफिशियल वेबसाइट है, मैं इस पे जा रहा हूँ। उसके बाद आपको प्रत्येक बोर्ड, जिस बोर्ड में आपने अप्लाई किया है उसको सेलेक्ट करना है। तो देख सकते हैं सारे बोर्ड खुल चुका है और मैं यहाँ एग्जाम्पल के लिए आपको जिस भी बोर्ड से सेलेक्ट किए हैं उसे आपको पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ बिलासपुर कर देता हूँ। उसके बाद मैं आपको आगे का प्रोसेस बताऊंगा, बाकी आप अपने हिसाब से देख लेना कि आपको कैसे अप्लाई किए थे और कौन सी बोर्ड पे अप्लाई किए थे। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ दिया हुआ है एलपी के लिए सेंट्रलाइज्ड नोटिस नंबर 1/2018 और यहाँ सेंट्रलाइज्ड नोटिस नंबर 2/2018। यानी एलपी और टेक्नीशियन के लिए आपने अप्लाई किया है तो यहाँ, और ग्रुप डी के लिए अप्लाई किया है तो यहाँ, यहाँ से जा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे आपको वन से मैं जाता हूँ। तो वन से जाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ लास्ट में देख रहे हैं क्लिक फॉर आवर एप्लीकेशन स्टेटस, और यहाँ पे देखिए सेंट्रलाइज्ड नोटिस 1/2018 एलपी इन टेक्नीशियन नोटिस एंड लिंक फॉर मॉडिफिकेशन और इनवैलिड फोटोग्राफ। अगर किसी कारण से आपका फोटो के ग्राफ से अगर प्रॉब्लम हुआ है तो यहां से जाके आपको इसे फिल कर देना है। तो यहां देख सकते हैं सारा उसके लिए आपका आ चुका है कि आपको पढ़ना ये फर्दर एसेसमेंट मेजर आपको कब तक, 20/7/2018 तक रात के 23:59 रात के 12 बजे से पहले पहले आपको ये भर लेना चाहिए। उसके बाद आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो उसके बाद यहाँ देख सकते हैं नीचे क्लिक टू लॉग इन एंड अपलोड है। तो जैसे आपने रिजल्ट या स्टेटस देखते थे उसमें सारा बोर्ड आ गया है। तो मैंने पहले आपका बिलासपुर भरा था, वो छत्तीसगढ़ एरिया में है। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं यहाँ एप्लीकेशन नंबर आपको डालना है। तो एप्लीकेशन नंबर मेरे, अपना रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड और उसके बाद कैप्चा कोड डालने के बाद लॉगिन के बाद दो स्टेटस आएगा। एक स्टेटस उनके लिए आएगा जिसका एप्लीकेशन एक्सेप्टेड है, उनके लिए नो रिक्वायर चेंज है, वो चेंज नहीं कर सकते। और एक का आएगा एप्लीकेशन रिजेक्टेड, जिनका एप्लीकेशन रिजेक्टेड है और उसमें कोई फोटोग्राफ में त्रुटि है तो फोटोग्राफ अपलोड के लिए ऑप्शन आएगा। और इसके लिए लास्ट डेट रहेगा 20/7/2018 और टाइम टाइम 23:59। 23:59। तो उम्मीद है कि इस सर्विस का रेलवे ने जो बेनिफिट दिया है उसका आप फायदा उठाएंगे और अपने तैयारी को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।